माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम इंडिविजुअल प्रीपोजिशन की सीरीज चला रहे हैं, और इंडिविजुअल प्रीपोजिशन की सीरीज में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बाय, बाय के बाद हम लोगों ने पढ़ा एट, और एट के बाद हमने पढ़ा फॉर, और आज पढ़ने जा रहे हैं ऑन। अच्छा, प्रीपोजिशन की स्ट्रेटजी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन लोगों की प्रीपोजिशन में डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, उन लोगों को इंडिविजुअल प्रीपोजिशन के डिफरेंट यूजेस पढ़ के उसके बाद उसको टॉपिक वाइज या थीम वाइज, जैसे टाइम के लिए, प्लेस के लिए, मीन्स एंड मीडियम के लिए फिर हमको पढ़ना पड़ेगा, और कुछ फिक्स यूजेस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनको प्रीपोजिशन में कन्फ्यूज़न होता है, जिनकी प्रीपोजिशन बहुत अच्छी होगी, बहुत बढ़िया कर लेते होंगे, उनको फ़िलहाल कम अच्छी लगेगी, हालांकि वो भी देखें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज ऑन के डिफरेंट यूजेस, देखते हैं कितने ढंग से हम लोग ऑन को यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें, और ये देखिए ऑन का पहला यूज। अच्छा, ऑन के लिए हमने लिखा है कि यहाँ ऑन टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या केवल टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है? नहीं, जैसे बाय का प्रयोग केवल एक काम से नहीं होता था, डिफरेंट वर्क्स थे, डिफरेंट फंक्शंस थे उसके, ऐड के डिफरेंट फंक्शंस थे, ठीक उसी तरह से ऑन के भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। उन्हीं डिफरेंट फंक्शंस में से एक फंक्शन उसका क्या है? टाइम बताने का। जब टाइम बताता है ऑन तो क्या, कौन सा टाइम बताता है? डे और डेट के पहले लगता है, ठीक है। अब टाइम बताने के लिए हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, एक आप बना लीजिए पिरामिड, ठीक है। ये आपका पिरामिड बना, पिरामिड में सबसे नीचे क्या होगा, ये वाइड पोर्शन बड़ा वाला हो जाएगा, उसके बाद ये कम होगा, उसके बाद ये छोटा वाला पोर्शन हुआ। तो नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसके लिए क्या यूज करेंगे आप? इन। और जो बड़ा पोर्शन होगा वो बड़ा पोर्शन किसके लिए होगा? जैसे ये मंथ के लिए है, जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या हो गया, ईयर लगा हो तो लगा दीजिए, मंथ लगा हो तो लगा दीजिए, कोई सीजन का नाम लिखा हो तो लगा दीजिए, ठीक है ना। जैसे जनवरी लिखेंगे तो इन लगेंगे, इन लगाएंगे, 2020 लिखेंगे इन लगाएंगे, ठीक है ना। ये बड़े टाइम के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद ये वाला टाइम बचा, इसके ऊपर वाला, तो ये किसके लिए लगा दिया जाता है? ये डे एंड डेट के लिए यूज कर दिया जाता है, और उसके लिए हम क्या लगाएं? ऑन। इससे भी छोटा टाइम किसके लिए लगता है? ऐट के लिए लगता है। तो ऐट के लिए किसके लिए लग जाएगा? ये होगा क्लॉक टाइम बताने के लिए, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे, आप ऐट लगा लीजिए, ठीक है ना। तो ये एक तरह से पिरामिड बनाइए, पिरामिड में जो छोटा टाइम होता है छोटे टाइम के लिए ऐट लगाइए, उससे भी बड़ा टाइम होगा, एक दिन का डे होगा या डेट होगी तो आप ऑन लगाइए, उससे बड़ा टाइम वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, तो उसके लिए क्या लगा दीजिए? इन लगा दीजिए। क्लियर हो गई बात? चलिए ठीक है। तो ऑन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? टाइम अगर बताना हुआ तो टाइम में स्पेशली अगर डे है, किसी डे का नाम है, 7 डेज है, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इन्हीं के पहले लगता है ऑन, या फिर कोई डेट हो तो उस डेट के पहले लग जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, लिखा हुआ है कि देयर इज अ क्रिकेट मैच, देयर इज अ क्रिकेट मैच डैश मंडे, मंडे डेट है, सॉरी डे है, डे है तो इसके पहले क्या लगाओ? ऑन मंडे को। आई विल रिटर्न योर नोट्स, मैं आपके नोट्स लौटा दूंगा कब? 14 मार्च को, 14 मार्च को लौटाऊंगा, ये डेट है, क्या लगा दिया हमने? ऑन लगा दिया, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ रहे हैं, पिछले वाले में हमने ऐट बताया था, अब ऑन आ गया, हो सकता है अगली बार इन आ जाए। चलो अच्छा, टाइम के लिए एक और यूज है इसका, दूसरा भी यूज है, वो कौन सा यूज है? ठीक जैसे पहले वाला था उसी तरह से है, जैसे कोई ओकेज़न है तो उस ओकेज़न पर भी हम ऑन लगा देते हैं, बशर्ते कि उस ओकेज़न में डे या डेट लगा हुआ हो। जैसे लिखा हो ऑन रिपब्लिक डे, देखो रिपब्लिक डे लिखा हुआ है, टीचर्स डे, देखो ये डे लगा है, योर बर्थडे, देखो डे लगा हुआ है, बर्थडे हो टीचर्स डे हो, क्रिसमस डे हो, रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, गुड फ्राइडे हो, तो डे लगा होगा त्यौहार के नाम में, तो उस पर क्या लगा दोगे? ऑन। जैसे क्या लिखा, आई सॉ हर डैश योर बर्थडे, तो बर्थडे क्या होगा? एक ओकेज़न है और एक फैमिली फेस्टिवल है जिसके लिए हम, जिसके नाम में डे लगाए हुए हैं, तो वो बताने के लिए आप क्या करेंगे? ऑन यूज कर दीजिए। ठीक, क्लियर हो गई बात? चलिए आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं कि ऑन का जो और एक यूज है, टाइम का दो ढंग से यूज हो गया इसका, अब आ जाओ प्लेस के लिए, ऑन को हम प्लेस के लिए कैसे यूज करते हैं, तो प्लेस भी बताता है ऑन। तो पहला वाला जो प्लेस के लिए यूज किया है ऑन, वो है वर्टिकली हायर,
वर्टिकली हायर का मतलब ऐसे कोई चीज़ ऊपर की ओर होगी, और दूसरी बात है टचिंग द सरफेस। टचिंग द सरफेस होने का मतलब क्या हुआ, इस पर ये टच कर रहा होगा। दो शर्त हो गई, वर्टिकली ऊपर होना चाहिए और उस सरफेस को टच कर रहा हो जिस पर कोई चीज़ रखी है। सपोज करिए ये एक मेज है, टेबल, ठीक है, मेरे डिज़ाइन पे मत जाइएगा भाई, बहुत अच्छी डिज़ाइन नहीं है। मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर क्या रखी है, एक बॉल रखी हुई है। तो टेबल पर बॉल रखी होगी तो बॉल टेबल की सरफेस को टच कर रही होगी। ऐसे ही जब सरफेस को छू रहा हो और ऐसे वर्टिकली ऊपर हो कोई चीज़, वर्टिकली ऊपर हो सरफेस को छूता हुआ, तब क्या लगाएंगे, ऑन। और कोई चीज़ वर्टिकली ऊपर हो, ऐसे वर्टिकली ऊपर हो लेकिन सरफेस को छुए ना उसके ऊपर हो, सरफेस को बिना छुए होगी तो क्या लगाएंगे, ओवर, और सरफेस को छूती हुई होगी तो क्या लगाएंगे, ऑन। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अ बंडल ऑफ बुक्स इज लाइंग, किताबों का एक बंडल रखा हुआ है, डैश द टेबल। तो टेबल, अब बंडल किताबों का बंडल है कि मेज पर रखा हुआ है, तो सरफेस को छू जरूर रहा होगा, जरूर छू रहा होगा, तो क्या लगाएं, ऑन लगाएं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, आगे बढ़ें। अब ऑन का प्लेस के लिए ही एक और यूज है, वो है कवरिंग द सरफेस। इसको थोड़ा आपको ज़्यादा कायदे से समझना पड़ेगा, कंसेप्ट आँख नाक कान सब कुछ यहीं रखिएगा, ठीक है। कवरिंग द सरफेस का मतलब हुआ कि आप सरफेस को कवर कर रहे हो, मतलब ये ऐसे होना ज़रूरी नहीं है, सरफेस को टच करना ये बात नहीं कर रहा हूँ। कवर करने का मतलब कोई चीज़ ये है और इसको चारों ओर से ऐसे कवर कर लिया आपने, तो उसके लिए ऑन यूज किया जाता है। टच में हो, याद रखिएगा, सरफेस के ऊपर कवर करने का मतलब हुआ टच में हो और पूरा चारों ओर से कवर कर दिया हो, चिपका दिया गया हो जैसे, ऐसे ढंग से। तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगेगा, जैसे देखिए लिखा, सी इज वियरिंग अ डायमंड रिंग, सी इज वियरिंग अ डायमंड रिंग, वो एक हीरे की अंगूठी पहन रखी है, डैश हर फिंगर, अपनी उंगली में। तो हिंदी में आ रहा है कि उसने अपनी उंगली में हीरे की अंगूठी पहनी है, तो उंगली में। अब ये बताइए कि ये एक रिंग है, ठीक, और ये एक उंगली है, मान लो ये उंगली है, उंगली बहुत पतली, रिंग बड़ी हो गई, खैर कोई बात नहीं है, ये उंगली है और ये रिंग। अब अच्छा, इसमें अगर उंगली होगी तो कैसे होगी, ऐसे होगी, मतलब रिंग जो है वो उंगली को चारों ओर से कवर करेगी। ध्यान रखिएगा, रिंग क्या करेगी, रिंग उंगली को चारों ओर से कवर करेगी। सपोज करो ये उंगली है और रिंग क्या करती है, उसको चारों ओर से कवर करती है। तो उंगली जो उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, एक्चुअली उंगली में अंगूठी नहीं होती, एक्चुअली देखो तो अंगूठी के अंदर उंगली जाती है और अंगूठी उंगली के चारों ओर से घेरे हुए होती है। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो उसमें हम लोग ऑन यूज करते हैं, ठीक है। हिंदी में आपको लगेगा कि उसकी उंगली में हीरे की अंगूठी है, मे के लिए इन लगा दें, पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि अंगूठी उंगली को चारों ओर से घेरे हुए है या अंगूठी उंगली को फाड़ करके उसके अंदर आप अंगूठी डाले हैं। अगर आप इन द फिंगर लिखते हैं, इसका मतलब हुआ अंगूठी उंगली को फाड़ कर उसके अंदर अंगूठी डाल लीजिए, ऐसा होता नहीं, उंगली के चारों ओर से अंगूठी पहनी जाती है ना, ठीक, समझ गए। तो अंगूठी उंगली को चारों ओर से कवर करती है, उसके सरफेस को छूती हुई चारों ओर कवर करती है, तो ऑन लगेगा। इसी तरह दूसरा देख लीजिए, ये एक हो गया रिंग ऑन फिंगर हो गया, शूज ऑन फीट, शूज ऑन फीट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये आपका पैर है, ये आपका पैर है, तो जूता क्या होता है, जूता इसको ऐसे चारों ओर से घेरे होता है, तो पैर को चारों ओर से घेरे हुए हो, ढके हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, शूज ऑन फीट, ऑन यूज करेंगे। अच्छा, अब मान लीजिए घाव है, ऑइंटमेंट ऑन वाउंड, मान लीजिए ये आपका पैर है और यहाँ पे आपको चोट लग गई है, इस पे आप मरहम लगाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मरहम घाव को ऊपर से कवर करता है, एक लेप लगाते हैं आप, तो घाव पर मरहम लगाएंगे तो क्या लगेगा, ऑन। पेंटिंग ऑन बोर्ड, ठीक है, मान लीजिए दीवार है, बोर्ड हो या दीवार हो, उस पर आप चित्र चिपकाते हैं या बनाते हैं, तो जो पेंटिंग होगी वो दीवार को क्या करेगी, टच करेगी, उसको छूती हुई, उसको उससे चिपकी हुई होगी ना, तो इसलिए क्या होगा, दीवार पर अगर कोई पेंटिंग होगी तो ऑन, चाहे आप बनाएं और चाहे आप लटका दें। जैसे बोर्ड होता है जिसपे हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को, बोर्ड पर अगर कुछ लिखा जा रहा है तो क्या लिखेंगे, राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है ना। बच्चे दीवार लिख डालते हैं तो क्या होते हैं, चिल्ड्रन है रिटन समथिंग ऑन द वॉल, ठीक, सरफेस पे आप लिखे हैं। सिर पे आप टोपी लगाएंगे या पगड़ी बांधेंगे तो क्या यूज किया जाएगा, ऑन कैप या हैड, ऑन द हेड, क्योंकि आपकी टोपी सिर को चारों ओर से कवर किए होती है।
बैंगल्स चूड़ियाँ, आप कलाई में चूड़ियाँ पहने हैं, तो कलाई में चूड़ियाँ पहनी है तो चूड़ी कलाई को चारों ओर से घेरे होती है। वॉच है, कलाई में आप घड़ी पहन रखे हैं तो घड़ी चारों ओर से कलाई को घेरे हुए होती है, कलाई की सरफेस को कवर करती है। तो भी क्या लगाएंगे, इन आन लगाएंगे, इन मत लगाइएगा, इन गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये, चलो आगे। अब आगे आते हैं, ये ऑन का एक और यूज है, जब किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट की बात करते हो, ठीक, कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट की बात करोगे तब भी क्या लगेगा, ऑन लगेगा। एग्जांपल देखो, दिस इज अ बुक डैश ग्रामर, दिस इज अ बुक, ये किताब है। अब उस किताब का सब्जेक्ट बता रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, ग्रामर पर, यानी कि ग्रामर पर लिखी हुई है किताब। तो जब आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। या कोई टॉपिक है, टॉपिक का मतलब क्या हुआ, ही डिलीवर्ड अ लेक्चर डैश इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी पर, बढ़ती हुई पॉपुलेशन पर उसने एक भाषण दिया। तो भाषण देने का टॉपिक क्या था, तो भाषण देने का टॉपिक था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो टॉपिक के लिए क्या यूज करोगे, ऑन यूज करोगे। ठीक है, टॉपिक हो या सब्जेक्ट हो उसके लिए भी हम ऑन यूज करते हैं। ऑन का और यूज क्या है, देखो और यूज आ जाता है, प्लेस में ही आ रहा है, ऑन द रोड, जैसे आप जब भी करते हैं सड़क पर, सड़क पर तो क्या कहेंगे, ऑन द रोड। ऐसे ही वे लिखा, मैं यहाँ पे रोड लिखा, वे नहीं लिखा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा ऑन द वे। ठीक है, जब आप रास्ते में हो, कहीं जा रहे हो, कभी इन द वे मत लगाइएगा, हमेशा ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे, हमेशा ऑन लगता है वे के पहले। ठीक, रोड पे क्या लगा रहे हो, ऑन द रोड। कोई एवेन्यू हो तो भी ऑन लगाएंगे, स्ट्रीट का नाम लिखा है, जैसे पार्क एवेन्यू स्ट्रीट, पार्क एवेन्यू स्ट्रीट की क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे, ही लिव्स ऑन पार्क एवेन्यू स्ट्रीट। ठीक, तो स्ट्रीट का नाम लिखोगे तब भी ऑन, और रोड का नाम लिखोगे, जैसे कहा एम जी रोड मतलब महात्मा गांधी रोड, महात्मा गांधी रोड, तो क्या लगाएंगे इसके पहले, ऑन यूज करेंगे। और अगर माइन्यूट एड्रेस दिया होता, जैसे मकान का नंबर वगैरह लिखा होता, तब क्या लगाते, तब एट लगाते। ठीक, मकान नंबर वगैरह है तो एट लगाएंगे, केवल रोड या स्ट्रीट लिखी हो तो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, अंतर समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला है मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। तो बाय में हमने बताया था कि मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट में क्या लगता है, बाय लगता है। उसी समय ये मैंने बताया था कि कुछ माइन्यूट चीज़ें ऐसी हैं जब मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट पे हमको ऑन या कभी कभी इन लगाना पड़ता है। इन पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे इसको, तो अभी हम दोहरा लेते हैं पिछली बात को और इस वाली बात को भी। चलिए मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करते हैं, उसके पहले ऑन का यूज बता देते हैं। देखो, प्लेन है, ट्रेन है, बस है, सिप है, बाइसिकल है, बाइक है, इन सब के पहले क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। कब, जब इसके पहले क्या लगा हो, आ लगा हो, या हिज, हिज का मतलब क्या हुआ, कोई पजेसिव, माई हो, योर हो, हिज हो, हर हो, इट्स हो, देयर्स हो, कुछ इस तरह का लगा हो, मतलब पजेसिव नाउन या प्रोनाउन यूज किया गया हो। इन्हीं प्लेन, ट्रेन, सिप के पहले अगर कोई पजेसिव प्रोनाउन लगा हो तो क्या करोगे, ऑन। या कोई एडजेक्टिव लगाओ, न्यू है, ओल्ड है, ठीक है, रेड है, ब्लैक है, और कंफर्टेबल है, खटारा है, इस तरह का जो भी वर्ड यूज करोगे। तो इतने जो मीन्स ऑफ ट्रेवल ट्रांसपोर्ट हैं, खासतौर से कौन, प्लेन, ट्रेन, बस, शिप, बाइसिकल और बाइक, ये जितने हैं इन सब के पहले जनरली तो क्या यूज किया जाता है, बाय यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऑन यूज किया जाता है। ऑन कब यूज किया जाएगा, जब इनके पहले आ लगा हो, या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगी हो, या इनके पहले कोई एडजेक्टिव लगी हो, कौन सी, न्यू, ओल्ड, क्वालिटी वगैरह बताने वाली, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन। ठीक है, अब दो चीजें मैं आपको लिख के दे रहा हूं, देखिएगा। जैसे कहीं लिखा हो, ही वेंट टू कॉलेज, ठीक, डैश लिखा बाइसिकल, वो कॉलेज जाता है बाइसिकल से, और दूसरा लिखा है ही वेंट टू कॉलेज डैश हिज बाइसिकल, ऐसे लिखा। तो अब क्या यूज करोगे, केवल बाइसिकल लिखा है तो क्या यूज करोगे, बाय। अगर बाइसिकल के पहले हिज लगा दिया है तो क्या यूज हो जाएगा, ऑन। ऐसे ही और सब में होगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। बस से जाता है तो बाय लगेगा,
आबस लगा दोगे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ठीक समझ में आ गया होगा। अब मींस ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट के पहले कब हम बाय लगा लेते हैं, कब ऑन लगा लेते हैं और कब इन लगाएंगे, ये नेक्स्ट वाले में बताएंगे जब इन पढ़ाने लगेंगे। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पहले ऑन लगता है। देखो मीडिया दो तरह का होता है, दोनों में बातें बता लूँ आप लोगों को फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक दो मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है और प्रिंट मीडिया होती है। ठीक अगर प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया का मतलब क्या हुआ, न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गया, ये तब तो प्रिंट मीडिया के पहले क्या यूज करोगे, इन। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जैसे टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, ठीक है, तो इन सब के पहले क्या यूज करोगे, ऑन। ठीक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पहले ऑन और प्रिंट मीडिया के पहले इन, इज दैट क्लियर। ठीक है तो अभी हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पहले हमें क्या यूज करना है, ऑन। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके पहले क्या लगाएंगे, ऑन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल, कैलकुलेटर, टीवी, टैब, इंटरनेट, ये सब लगा हो। एग्जांपल देखो, लीना इज वर्किंग डैश द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या लगा, ऑन। ही हैज गॉट द न्यूज डैश द इंटरनेट, इंटरनेट के लिए क्या लगेगा, ऑन। सी इज डूइंग कैलकुलेशन डैश कैलकुलेटर, कैलकुलेटर क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑन। राम इज वॉचिंग अ मूवी डैश टीवी, टीवी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या लगा, ऑन। बीना इज रीडिंग अ स्टोरी डैश मोबाइल, मोबाइल क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्या लगा, ऑन। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा ना। ठीक चलो आगे आगे आ गए, ये रहा हमारा सातवां। और सातवां यूज ऑन का क्या है, देखिए रोड हमने पहले भी बता दिया था कि रोड के लिए हम ऑन लगाएंगे, रोड है, कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब क्या हुआ, समुद्र का किनारा, किसी का भी तट, रिवर बैंक है, तो इन सब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। जैसे जैसे पहला सेंटेंस पढ़ो, लिखा आई सा अ बिग फिश, मैंने एक बहुत बड़ी मछली देखी, व्हेन आई वाज वॉकिंग डैश द रिवर, ठीक डैश द रिवर बैंक, तो आप टहल रहे थे, देखना वॉकिंग कर रहे थे, तैर नहीं रहे थे, टहल रहे थे, तो नदी के किनारे किनारे टहल रहे होंगे, तो नदी के किनारे जब आप टहल रहे थे और आपने एक बहुत बड़ी मछली देखी तो क्या लगाएंगे, रिवर बैंक लिखा है, ध्यान रखिएगा, केवल रिवर होता तो अलॉन्ग होता, बिसाइड होता, लेकिन रिवर बैंक लिखा हुआ है, रिवर बैंक लिखा होगा तो क्या यूज करोगे, ऑन। केवल रिवर लिखा होता तो बिसाइड या अलॉन्ग, ठीक है। आई फाउंड अ 500 रुपी नोट, मुझे एक 500 रुपए की नोट मिली, ठीक है चलो अच्छा, कहाँ मिली, सड़क पर मिली, क्या यूज करोगे, ऑन द रोड। मुझे सड़क पर एक 500 रुपए की नोट मिली, क्या यूज करोगे, ऑन। मैं नदी के किनारे टहल रहा था, रिवर बैंक लगा तो क्या हो गया, ऑन। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है चलो अगला आ जाता है हमारा आठवां यूज। आठवां यूज क्या है ऑन का, जैसे साइड्स होती हैं, लेफ्ट या राइट, दो ही तो साइड होगी, ठीक। साइड जो होती है लेफ्ट होती है या राइट होती है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑन। ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ठीक है ना, ये हो गया। तो जैसे लिखा है सीवा सिटिंग डैश द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड, क्या होगा, अपने हस्बैंड के बाएं, तो ऑन लगाओ, जाहिर सी बात है लेफ्ट या राइट के पहले तो हम ऑन ही लगाते हैं, ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट, क्लियर हो गया, ये हो गया। अच्छा कुछ फ्रेजेज हैं जिसमें भी ऑन का यूज किया जाता है, कुछ फ्रेजेज हैं जैसे ऑन फायर, वही देखिए और भी हैं, कई सारे हैं, मैं दो लिख दिया हूँ, बाकी आप फ्रेजेज में देखिएगा। ऑन फायर, ऑन फायर का मतलब होता है ना हमेशा गुस्से में, ही इज ऑलवेज ऑन फायर, वो हमेशा गुस्से पे रहता है। ऑन सेल का मतलब क्या हुआ, जो किसी चीज़ को थोक में बिक्री हो रही होती है तो उसको कहते हैं ऑन सेल। जैसे हम कहें कि विंटर गारमेंट्स आर ऑन सेल, फॉर मार्च आ जाता है तो क्या करते हैं सर लोग, विंटर गारमेंट्स आर ऑन सेल, विंटर गारमेंट्स की सेल लगा देते हैं इकट्ठा करके। तो ऑन सेल, ऑन फायर, ये सब क्या होते हैं, ये फ्रेजेज होते हैं, ठीक फिक्स यूज में आते हैं। अब आ जाओ कि कुछ फिक्स यूज वाले ऑन हैं, मतलब फिक्स यूज पहले बता चुका हूँ, कुछ वर्ब्स के बाद फिक्स होता है वही प्रीपोजिशन लगेगा, तो ऑन के फिक्स यूजेस मैंने निकाल लिए थे यहाँ पे। चलो ऑन के फिक्स यूज क्या है, जैसे गो के बाद ऑन यूज करते हैं, तो गो, गोज, वेंट, गॉन, इन सब के, गोइंग, इन सब के बाद ऑन लगाना होता है, या कैरी के बाद ऑन लगता है, कीप के बाद ऑन लगता है, तीनों ध्यान रखना, गो, कैरी, ऑन। जब ये ऑन लगेगा तो इसका मतलब होता है कंटिन्यू, कोई काम जो आप कर रहे हो वो क्या करो,
कंटिन्यू रखो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग कहेंगे पार्टी में, ठीक है, आपको भी इनविटेशन है, आपके फ्रेंड को भी इनविटेशन है, आप थोड़ा देर में पहुँचे, आपके दोस्त वहाँ से एक घंटा पहले पहुँच गए थे, एक घंटा पहले पहुँच गए तो खा पी के फ्री हो चुके हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, ठीक। अब वो रसगुल्ला खा रहे हैं, एक चम्मच उठा के मुँह में डालने वाले हैं, तब तक आप दिखाई पड़े उधर से जाते हुए लेट लपाट आदमी, ठीक। पार्टी ख़त्म हो गई, तब आप पहुँच रहे हैं, तो आपने उनको देखा, ठीक, उन्होंने रसगुल्ला खाना बंद करके हाथ उठाया आपसे हेलो हाय करने के लिए। ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या फ़र्ज बनता है, तहे दिल से सोच के बताइएगा। आप ये कहेंगे कि रुके रहो हम भी आ रहे हैं, या आप कहेंगे शुरू रहो हम भी आ रहे हैं। तो जनरली यही होता है, आदमी कहेगा जुटे रहो हम भी आ रहे हैं। तो वहीं जहाँ ये सेंस होता है कि लगे रहो मुन्ना भाई हम भी आ रहे हैं, तो वहीं पे हम लोग यूज़ क्या करते हैं, गो ऑन या कीप ऑन या कैरी ऑन। ज़्यादातर ऐसे मामलों में आदमी कहता है कैरी ऑन, जो काम आप कर रहे हो, खा रहे हो, कैरी ऑन मतलब क्या हुआ, कीप ऑन ईटिंग, तो जुटे रहो हम भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कीप ऑन, कैरी ऑन, इसके बाद जब भी हम वर्ब लगाते हैं तो एनजी फॉर्म लगाते हैं, और इनका सेंस होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसको जारी रखो, ठीक। एक यूज के लिए एग्जांपल दिया हूं, सी वेंट या कैरीड या कैप्ट डैश टॉकिंग, दो नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन हर टॉक, उसकी बातचीत में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था वो, लेकिन अपना जारी है, जुटे पड़ी है, कंटिन्यू है। तो वेंट, कैरीड और कैप्ट के बाद क्या लगाओगे, ऑन, नॉन स्टॉप जारी है, ठीक, समझ में आया। आगे आ जाओ, एक फ्रेज है इंसिस्ट, इंसिस्ट के बाद भी क्या यूज करते हो, ऑन यूज करते हो। इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज़ पर हट कर बैठते हैं, जैसे छोटे बच्चे मेला ले जाओ, लाल वाला गुब्बारा लेना है तो बस हिन हिन हिन, कौन से क्या लोगे, वही लाल वाला गुब्बारा, दिन भर खाली वही एक चीज़। तो इंसिस्ट ऑन का मतलब किसी एक विशेष चीज़ पर हट कर बैठना या आग्रह करना। तो इंसिस्ट के बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है, ऑन। सी इंसिस्टेड ऑन बाइंग अ ब्लैक सूट, ठीक है, तो इंसिस्ट के बाद ऑन लगेगा। ऐसे ही कमेंस है, कमेंस का मतलब होता है शुरू होना। तो उसके बाद कोई जिसे कोई प्रोग्राम वगैरह शुरू होने वाला है तो उसके लिए कमेंस यूज किया जाता है, और कमेंस के बाद हमेशा डेट आएगी और ऑन यूज किया जाता है। जैसे द रामलीला विल कमेंस डैश मंडे, तो क्या लगाओगे, रामलीला मंडे को शुरू होगी, क्या होगा, ऑन लगाना, फ्रॉम मत लगाना, याद रखना, ऐसे में फ्रॉम नहीं लगेगा, कमेंस के साथ फिक्स है क्या, ऑन, ठीक। और अगला देखो, अगला है बेस्ड, ठीक, बेस्ड का मतलब क्या हुआ, आप समझ ही रहे होगे, बेस्ड मतलब उस पर डिपेंड होता है। तो बेस्ड के बाद भी हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। जैसे दिस क्वेश्चन इज बेस्ड एज द थ्योरी ऑफ न्यूटन, तो न्यूटन की थ्योरी पर बेस्ड है, तो क्या लगाओगे बेस्ड के बाद, ऑन। डिपेंड या रिलाई मतलब क्या हुआ, निर्भर करना, इसके बाद भी क्या यूज करते हो, ऑन। तो जैसे योर सक्सेस डिपेंड्स डैश योर हार्ड वर्क एंड पंक्चुअलिटी, तो डिपेंड ऑन, डिपेंड के बाद लग गया, ठीक है। ऐसे ही कांग्रेचुलेट के बाद क्या यूज किया जाता है, ऑन यूज किया जाता है हमेशा, ठीक। कांग्रेचुलेट के बाद क्या लगेगा, ऑन। अच्छा, केवल कांग्रेचुलेट नहीं, कॉम्प्लीमेंट के साथ भी ऑन ही यूज किया जाता है, ही कांग्रेचुलेटेड मी या कॉम्प्लीमेंटेड मी, ठीक है। तो क्या लगाओगे, कॉम्प्लीमेंट के बाद भी ऑन ही यूज किया जाता है, कांग्रेचुलेट के बाद भी ऑन ही यूज किया जाता है। एक यूज देख लो, लिखा हुआ है कि वी कांग्रेचुलेटेड हिम डैश इज सेलेक्शन इन SSC, उसका SSC में सिलेक्शन हुआ, इस पर हमने उसको बधाई दी, तो वी कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, क्लियर हो गया। तो ये कुछ यूज थे ऑन के, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सेंस में कैसे यूज किया जाता है, प्लेस के लिए, टाइम के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, ऑन हम कैसे और कब यूज करते हैं, ये एक शॉर्ट डिस्कशन था। ऐसे ही एक एक करके सिंगल 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 जितने भी प्रीपोजिशन हैं, जिनके मल्टीपल यूज हैं उनको, जिनके सिंगल यूज हैं उनको नहीं, जिनके मल्टीपल यूज हैं उनको मैं इस तरह से आपको बता दूंगा। उसके बाद कुछ डिफरेंशियल मामले लेके चलूंगा, जैसे एट और ऑन में क्या डिफरेंस होगा, कभी हो सकता है एट का इन के साथ क्या डिफरेंस होगा, और दूसरा ऑन का इन के साथ क्या डिफरेंस होगा, इस तरह के बड़े क्लोज रिलेशन वाले, जैसे सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है, इस तरह का, ठीक है। तो एक एक का जो डिफरेंशियल है ये भी हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर थीम वाइज शुरू करेंगे, क्लियर हो गई बात। तो ये प्रीपोजिशन का सेशन, मतलब मेरा प्रोग्राम है कि पूरा प्लान है पूरा का पूरा प्रीपोजिशन कवर करने का विद प्रैक्टिस,
तो ये सेशन जो प्रोग्राम जो हम प्रीपोजिशन का चला रहे हैं, ये प्रीपोजिशन का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, कितना आपको हेल्प हो रही है, कितना आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो ये चीज़ प्लीज़ हमें बताइए। क्योंकि जब आप बताएंगे कि हमें अच्छा लग रहा है या हमारे काम का है, बढ़िया है, हम देख रहे हैं, तो वो हमें अच्छा लगेगा, फिर हम इस पर और मन से और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।